कि हम वॉकिंग डिस्टेंस है, गोल पे हम पहुंच जाएंगे। पूरा अभी धुंध फॉग पूरे में भर गई, आप देख सकते हैं वहां पे पीक है। अभी कोल तक जाने का प्लान है, उसका पूरा रेकी करेंगे कि उस साइड से पीक का सरफेस कैसा है, क्लाइंब करने में जो सरफेस है, पॉइंट है, कितने टफ है, इजी है, सब एक बार डीपली रेकी करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट प्लान करेंगे, फिर प्रॉपर हिट करेंगे पूरा सबमिट। शार्प है, बहुत डेंजर है, क्लाइंब करने के प्लान है। अभी बैड वेदर है तो अभी तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर इसको क्लाइंब करेंगे। ये वाला पूरा पोर्शन है अमेजिंग है, अमेजिंग। वी आर टू मेंबर, सर हमारे साथ में है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का, बहुत बढ़िया कर रहे हैं हम, बस मौसम ने थोड़ा साथ नहीं दिया। आप इस साइड देख सकते हैं, वेयर ग्लेशियर है, मतलब बिल्कुल भी इसमें डस्ट नहीं है, रॉक नहीं है, और बहुत बड़ा ग्लेशियर है। तो यहाँ आके कुदरत का पता चलता है कि जितने भी हिमालय से नदियाँ निकलती हैं और जो पानी पूरे देश को जाता है, वो यही ग्लेशियर, इन्हीं ग्लेशियरों का पानी है। तो यहाँ आके कुदरत के लिए एक अलग सी रिस्पेक्ट जागती है यार, कि मतलब देखो हम लोग सोचते तक नहीं कि जो हम पानी पी रहे हैं, जो नदी आ रही है कहाँ से आ रही है। लेकिन अगर आप कभी कोर्स करें माउंटेनियरिंग का और ऐसी जगह आए ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार कि भगवान ने सब कुछ दिया है हमें, कुदरत ने सब कुछ दिया हमें, पर थोड़ी ये हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रिसीड हो रहे हैं, थोड़ा दुख लगता है, आने वाले टाइम में पानी का संकट होगा, पर क्या कर सकते हैं। और वो हमारी सबकी जिम्मेदारी है भाई, ग्लोबल वार्मिंग जैसे हम प्लास्टिक यूज ना करें, जो जिन गैसों से टेम्परेचर बढ़ता है उन गैसों को ना बढ़ने दिया जाए, बस यही है, तभी ये सामने जो ग्लेशियर आपके सामने दिख रहे हैं ये तभी बच पाएंगे भाई। नहीं तो आने वाले 100-200 साल में पानी इतना संकट हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते।
Come on.